नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की मेरी क्लास बीए भाग द्वितीय के नए बिंदु के साथ प्रारंभ हो रही है, वैज्ञानिक पद्धति। या मैं स्पष्ट कर दूं, विज्ञान के अर्थ को समझ लेने के पश्चात यह जान लेना आवश्यक होता है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। विज्ञान का अर्थ है एक व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करने का तरीका। अब यहाँ पर जनसाधारण उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति मानता है जहाँ हम तटस्थ व निष्पक्ष रहकर अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने कार्यकारण संबंध, सामान्यीकरण, वैज्ञानिक निष्कर्ष, सिद्धांतों के प्रतिपादन के आधार पर, भविष्यवाणी की क्षमता के आधार पर अलग अलग तर्क दिए हैं। सबसे प्रमुख इसमें तीन विवेचना की जाती है। पहली है लुंडबर्ग के अनुसार, वो कहता है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों में व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या का एक तरीका है। इसके अंदर अनेक प्रकार की हमें समस्याएं आ सकती है, क्योंकि मनुष्य एक बौद्धिक इकाई होने के नाते भावनाओं का पुंज है। इन भावनाओं से मुक्त होकर यदि हम व्यवस्थित अध्ययन करें, कार्यकारण संबंध को जानने का प्रयास करें और उसके बाद एक तटस्थ निष्पक्ष रहकर किसी भी घटना की विवेचना करें, तो इसका अर्थ है हम वैज्ञानिक पद्धति तक पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति अपने आप में कोई पद्धति नहीं होती। यहाँ स्पष्ट किया गया है समाजशास्त्रियों के द्वारा, किसी भी पद्धति में विज्ञान के गुण शामिल हो जाएं तो वो पद्धति वैज्ञानिक पद्धति बन जाती है। उदाहरण के लिए कोई सामान्य पद्धति है जिसको हम ज्यामितीय भी कह सकते हैं, सांख्यिकी भी कह सकते हैं। अब इसमें विज्ञान के गुण होने चाहिए, जैसे अवलोकन, भविष्यवाणी करने की क्षमता होना, प्रयोग सिद्धता का होना, संगठित संशयवाद होना, कार्यकारण संबंधों के बारे में जानकारी होना। इसके अतिरिक्त उसमें हम आगमन निगमन तर्क का प्रयोग भी कर सकते हैं। आगमन और निगमन का आशय है जब हम सामान्य से विशिष्ट कोई खोज करें तो निगमन तर्क है और विशिष्ट से सामान्य निष्कर्ष निकालें तो आगमन तर्क है। तो तर्कों का प्रयोग होता है और ये तरीके, ये विज्ञान के गुण हमें सिद्धांत की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। वुल्फ कहते हैं कि व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार निर्माण होता है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। अर्थात हम उन वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से एक नई प्रकार की संरचना बनाएं। उदाहरण के लिए पत्थरों का ढेर, सीमेंट के बोरे मकान नहीं कहलाते। उनको किस क्रम में व्यवस्थित आधार पर कैसे सिस्टमेटिक तरीके से सेट करना है, वो एक भवन का निर्माण लेता है। वैसे ही विज्ञान के अलग अलग गुण आपस में संयुक्त होकर एक नई प्रकार की संरचना बनाते हैं जो इसे विज्ञान की ओर आगे ले जाती है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में लिखा है कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को व्यक्त करती है जिनकी सहायता से विज्ञानों का निर्माण होता है। व्यापक अर्थ में अन्वेषण की कोई भी पद्धति जिसकी सहायता से वैज्ञानिक या अन्य निष्पक्ष व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। स्पष्ट है, वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय के साथ है। इस पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के आधार पर कोई विशेष विषय विज्ञान का रूप ग्रहण कर लेता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपने देखा कि व्यवस्थित ढंग से ज्ञान का संचय, ये ढंग क्या है, ये प्रोसेस है, ये तरीका है। इसमें यह बताया जाता है कि हम अपने विचारों पर कंट्रोल करके वस्तु मानकर हर इकाई का अध्ययन करें। अगर हम किसी जन समुदाय का भी अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये भूल जाएंगे उसका धर्म क्या है, जाति क्या है, वो किस लिंग की परिस्थिति को धारण करते हैं। हमें ये मानना है वो वस्तु है और हम उस दृष्टि से यदि अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे मन में भावनाओं का ज्वार उत्पन्न नहीं होगा। और ये भावनाओं का ज्वार जब उत्पन्न नहीं होगा तो हम विशेषता के रूप में कह सकते हैं कि यह ज्ञान का आधार वैज्ञानिक बनेगा। अवलोकन के द्वारा तथ्य संकलित होंगे और इसमें महत्वपूर्ण क्या है का अध्ययन होगा। कार्यकारण संबंधों की विवेचना होगी, सिद्धांतों की स्थापना और पुनर्परीक्षण भी संभव हो सकते हैं और ये सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के बन जाते हैं। इस अर्थ में तथ्यों का वर्गीकरण, सामान्यीकरण और भविष्यवाणी करने की क्षमता, ये इसे वैज्ञानिक पुष्टता प्रदान करते हैं। अतः हमें इस निष्कर्ष में समझना होगा कि वैज्ञानिक पद्धति एक तार्क संगत, एक तार्किक आधार पर अध्ययन का बौद्धिक तरीका है और हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।
विज्ञान की पद्धति की जब परिभाषा की जाती है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान कार्ल पियर्सन का है। कार्ल पियर्सन कहता है, समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में ना कि उसकी विषय सामग्री में। इससे आशय है कि जितने भी इस विश्व में विज्ञान पाए जाते हैं उनकी सार्वभौमिकता, उसकी वस्तुनिष्ठता उसके कार्य करने के तरीके पर निर्भर होती है, उसकी पद्धति में होती है, ना कि उसकी विषय सामग्री में। चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो चाहे सामाजिक विज्ञान हो, उसकी पद्धति श्रेष्ठ होनी चाहिए। कार्य करने का तरीका, कार्य कारण संबंध जानना, वस्तु निष्ठता, प्रयोग करने की क्षमता होना, ये जितना कारगर होगा उतना ही अधिक वह विषय सामग्री वैज्ञानिक पद्धति में परिवर्तित हो जाती है। गुडेव अट के अनुसार विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। इसका अर्थ है कि विज्ञान या वैज्ञानिक पद्धति में संसार के अलग अलग दृष्टिकोणों के आधार पर अपने अनुभवों को जोड़कर उसमें एक वैज्ञानिक तरीका खोजने का प्रयास किया जाता है। यहाँ वैज्ञानिक खोजना इस अर्थ में होगा कि हम उसमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर अध्ययन पर बल दें। स्टुअर्ट चेज कहते हैं, विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं। अर्थात इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट रोड साइड ढाबों पर सब्जी बनाने से पहले ग्रेवी बना के तैयार रखता है। ग्राहक कोई भी ऑर्डर देता है, जैसे उसने पनीर का ऑर्डर दिया तो उसी ग्रेवी में से कुछ ग्रेवी निकाल के पनीर के साथ मिक्स कर देता है। भिंडी मसाला सब्जी बनाने के लिए वो ग्रेवी मिक्स कर देता है। यहाँ ग्रेवी महत्वपूर्ण है, यानी तरीका, प्रोसेस महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार समाजशास्त्र के अनुसंधानिक क्षेत्रों में एक ग्रेवी या वैज्ञानिक पद्धति है कार्य करने का तरीका, वस्तुनिष्ठता, प्रयोग सिद्धता, कार्य कारण संबंध। ये जितने ज़्यादा अनुभव सिद्ध होंगे, जितने ज़्यादा विषय वस्तु के साथ भिन्न होते हुए वैज्ञानिक तरीकों पर निर्भर होंगे, वो पद्धति वैज्ञानिक पद्धति के गुणों को धारण कर लेती है। ठीक इसी प्रकार लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में स्पष्ट किया कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन है। अर्थात जब इसको व्यापक ढंग से हम अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति में अर्धसहभागी, सहभागी, असहभागी तीनों प्रकार के अवलोकन का समावेश होता है। तथ्यों को वैज्ञानिक आधार पर एकत्रित करके उनका वर्गीकरण किया जाता है और निर्वचन के रूप में उसका विश्लेषण करने पर बल दिया गया है। ठीक इसी प्रकार इन परिभाषाओं के संदर्भ में हम पांच प्रकार के विवेचनाओं को कर सकते हैं। पहला, वैज्ञानिक पद्धति कार्य कारण संबंधों से संबंधित है। इससे दूसरा, सार्वभौमिक सिद्धांतों की स्थापना हो सकती है। तीसरा, इसके निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं। चौथा, इसके माध्यम से समाज में आने वाली समस्याओं का निदान व भविष्यवाणी की जा सकती है। और पंचम, इसका अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। अर्थात उपरोक्त निष्कर्षों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति एक विशिष्ट तरीके से प्राप्त किया गया वस्तुनिष्ठ एक ऐसा उपक्रम है जो हमें सत्य तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत मार्ग प्रस्तुत करता है। कार्ल पियर्सन तो यहाँ तक कहते हैं कि सत्य तक पहुंचने का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, इसलिए विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के मार्ग से गुजरने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग बसता ही नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक चरणों से गुजरने की प्रबल आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं, अध्ययनकर्ता पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाए, तटस्थ होकर, वैल्यू फ्री होकर किसी भी अध्ययन को करने पर बल दे तो निश्चित तौर पर वही कार्य उसे वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्थापित कर देता है। यहाँ पर अध्ययन के संदर्भ में संगठित संशयवाद होना चाहिए, क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वैल्यू फ्री, अपने मन के पूर्वाग्रहों की मुक्ति प्रबल रूप से होनी चाहिए, तभी वो अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति की ओर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर हम अन्य कोई वस्तुनिष्ठ तथ्यों के अतिरिक्त जोड़ नहीं सकते हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, अब हम वैज्ञानिक पद्धति के चरण स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पे चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति के चरण के विषय में समाजशास्त्रियों में काफ़ी विवाद है। इसके बाद भी यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान का प्रारंभ किसी समस्या या प्रश्न से होता है। समस्या से संबंधित उपकल्पनाएं बनाई जाती है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और इन आंकड़ों का वर्गीकरण एवं निरीक्षण कर नियमों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अनेक चरण हो सकते हैं, अर्थात जब हम तथ्य संकलन करके उसको एकत्रित कर लेते हैं, उसके बाद अनुसंधानकर्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि उन तथ्यों को किस प्रकार से वर्गीकृत करके, परिशोधित करके एक स्ट्रक्चर का रूप दिया जा सके। इसकी स्थिति कच्चे माल की तरह होती है और कच्चे माल से जैसे हम कोई उत्पाद बनाते हैं, वैसे ही संकलन मात्र कच्चा माल है। एक निश्चित प्रक्रिया, चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से हम उसे एक वैज्ञानिक परिशोधित उत्पाद बना सकते हैं। इसका प्रथम चरण है समस्या का चुनाव। एकोफ का कहना है कि किसी भी समस्या का ठीक प्रकार से निर्धारण कर लेना इसका आधा समाधान है। अर्थात सबसे पहले हमें यह निश्चित करना होगा कि हम अध्ययन क्या करने वाले हैं। हमारे अध्ययन के बिंदु हमारे समाज के इर्द गिर्द बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हमारा माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि हम किस समस्या का अध्ययन कर सकते हैं, जिसको हम स्वीकृत पद्धतियों के आधार पर तथ्य संकलन कर सकें। दूसरा है उपकल्पना या परिकल्पना। उपकल्पना का अर्थ होता है किसी भी अध्ययन को करने से पूर्व बनाए गए वो कथन जिनका परीक्षण अभी शेष होता है। परीक्षण के बाद वो कथन सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं। इस आधार पर इन कथनों के संदर्भ में पूर्व एक लिखित सामग्री तैयार की जाती है और अध्ययनकर्ता उसको बेस बनाकर उसका परीक्षण करता है। कई बार वो परीक्षण करने पर सत्य हो जाते हैं तो वो सिद्धांत बनने की ओर अगला कदम बन जाता है। तीसरा है चरण इसका चरों का चयन। चरों का मतलब आप किन तथ्यों का, किन उत्तरदाताओं का, किन पद्धतियों का चयन करेंगे, इसका एक सिस्टमेटिक तरीका हमें ढूंढना पड़ता है। अगला चरण है निर्देशन का प्रतिचयन। अर्थात हम संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन कर ही नहीं सकते, हम उसमें से कुछ इकाइयों को चुनते हैं। संपूर्ण में से कुछ इकाइयों को चुनना, उन पर प्रयोग करना, अध्ययन करना और प्राप्त परिणाम को संपूर्ण पर लागू कर देना, यहाँ पर निर्देशन कहलाता है, यानी इसे हम सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन के रूप में हम सामग्री का संकलन करते हैं, अर्थात तथ्य का संकलन करते हैं। ये तथ्य का संकलन व्यक्तिगत जानकारियों से संबंधित भी हो सकता है, विषय से संबंधित भी हो सकता है या लोगों की मत, अभिवृत्ति, राय से संबंधित भी हो सकता है। इसके बाद जब हम तथ्य संकलन करके आ जाएंगे, हम टेबल पर बैठकर सामग्री का विश्लेषण करते हैं, अर्थात उस कच्चे माल को एक उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में उसको टेबल बनाएंगे, उसको अलग अलग आधार पर चित्रात्मक अभिवृत्तियों के माध्यम से परिशोधित करते हुए एक प्रारूप बनाएंगे, जैसे आयुगत जानकारी, विवाह की स्थिति के आधार पर जानकारी, या हम कह सकते हैं किसी बेरोजगारी के अध्ययन में कितने लोग रोजगार में हैं, कितने लोगों को सरकारी सुविधाएं मिली हुई हैं, कितने लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, कितना अनिश्चितकालीन जॉब में है, कितना छिपी बेरोजगारी में है, ये सारी तथ्यों की अलग अलग टेबल बनती है। और अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रतिवेदन का निर्माण, जिसे हम रिपोर्ट राइटिंग या कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना भी कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे कि एक इंडेक्स बनाकर जितना भी हमने अध्ययन किया है प्रारंभ से लेकर अब तक, उसमें चित्र कौन से हैं, कौन से विशिष्ट तथ्य हैं, हमारी उपकल्पनाएं क्या रही हैं, हमने उस अध्ययन में क्या नया पाया, हमने नया क्या खोजा, ये जब हम ढूंढते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति अपने आप में एक ऐसा टूल बन जाती है जो किसी भी अज्ञान तक पहुंचने का ज्ञानवर्धक या बौद्धिक तरीका माना जाता है। और ये प्रतिवेदन रिपोर्ट राइटिंग के बेस पर ही हम किसी भी अध्ययन की वस्तुनिष्ठता, उसकी उपयोगिता और उसकी संदर्भ परिधि के बारे में अनुमान लगाते हैं। इस तरह वैज्ञानिक पद्धति एक निश्चित चरणों के आधार पर अपने समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक लक्ष्यों तक पहुंचने का एक विस्तृत मार्ग है।